हर साल 28 फरवरी को सर सीवी रमन के रमन परिणाम इस शोध कार्य के लिए प्राप्त नोबेल पुरस्कार के सम्मान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष राज्य के सभी शाला में विज्ञान विषय माध्यम से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 मनाने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को विषय के रूप में चुना गया है और उस संबंध में विभिन्न राज्य भर के स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर शहीद मिश्रा विद्यालय तिरोड़ा में 3D चश्मा बनाने की कार्यशाला का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने बाजार में 300 रुपये में मिलने वाली चश्मे केवल 3 रुपये में स्वयं बनाकर शैक्षिक 3D वीडियो और तस्वीरों का आनंद लिया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधानाचार्य विकास बारापात्र ने वरिष्ठ शिक्षक तुलसीदास मड़ावी और विज्ञान शिक्षक नरेंद्र मौसी की उपस्थिति में किया। कार्यशाला का निर्देशन राज्य विज्ञान प्रथम पुरस्कार विजेता शिक्षक लोकेश सौरावार ने किया। छात्रों को चश्मा बनाने संबंधी संपूर्ण जानकारी लोकेश सौरावार ने दी। सभी विद्यार्थियों ने अपने हाथों से चश्मा बनाकर सबको चौंका दिया। यह परियोजना इस साल की राज्य नवाचार प्रतियोगिता के फाइनल में शीर्ष 5 में है और अंतिम परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। क्योंकि जिले के छात्र 3D फिल्मों और चित्रों से दूर है, इसलिए यह पहल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए फायदेमंद है, क्योंकि प्रत्येक छात्र खुद अपना चश्मा बना रहा है। नीले और लाल सिलोफोन पेपर से 3 रुपये में 3D ग्लास बनाकर मोबाइल और टीवी पर देखा जा सकता है। समूह शिक्षा अधिकारी MD पारदी, केंद्र प्रमुख UP पारदी, संस्थाध्यक्ष रमेश चंद्र झरारिया, डॉक्टर जुगल किशोर लड्डा, संजीव कोलते, जीत सिंह जगने और सभी शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने कामना की कि यह परियोजना राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करे। कार्यक्रम का संचालन सुनील राउत ने किया और आभार रंजित वहानी ने किया। BCN न्यूज के लिए तिरुवा से स्वप्निल सहारे की रिपोर्ट।